पाकिस्तान से हिंदुस्तान भागकर आई सीमा हैदर को लेकर तहलका मचा हुआ है, चाहे पाक मीडिया हो या फिर हिंदुस्तान की मीडिया हो, एक ही नाम पर चर्चा हो रही है और वो है सीमा हैदर। सोशल मीडिया पर भी सीमा हैदर का नाम जो है वो ट्रेंड कर रहा है, लेकिन सीमा हैदर का असली नाम क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीमा हैदर जो भारत आई है, क्या कुछ जानकारी जो पहले उनकी सामने आई है उसके बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं सीमा हैदर का नाम सीमा हैदर नहीं है, क्या नाम है वो हम आपको आगे बताएंगे और उस तस्वीर के बारे में भी बताएंगे जिसके सामने आने के बाद सीमा हैदर को लेकर तो सवाल खड़ा हो रहा है, इसके साथ ही हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे कोई भी आतंकी, कोई भी ISI का एजेंट, कुछ भी भारत में कैसे बहुत ही आसानी से प्रवेश हो जाता है, नेपाल के रास्ते से किस तरीके से तमाम जो देश के गद्दार हैं, जो देश के दुश्मन हैं, वो किस तरीके से भारत में प्रवेश लेते हैं, रोहिंग्यों की जो संख्या है वो लगातार कैसे बढ़ती जा रही है, एक बड़ी नाकामी जो है वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सामने आ रही है। तो सबसे पहले हम सीमा हैदर के बारे में बात कर लेते हैं, जो जानकारी बताई जा रही है उसके आधार पर, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा। सीमा हैदर इस वक्त चार बच्चों के साथ हिंदुस्तान में रह रही हैं, चार बच्चों के साथ वो आती हैं, अपनी उम्र जो है वो 27 साल बताती हैं, ये बताती हैं कि वो पांचवी पास हैं, लेकिन हकीकत क्या है अब हम आपको बताते हैं। पांचवी पास होकर भी सीमा हैदर बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल लेती हैं, फर्राटेदार उनको इंग्लिश आती है और इसके साथ साथ कंप्यूटर चलाने की भी नॉलेज उनके पास है। पांच पांच उनके पास पासपोर्ट मिले हैं, तीन तीन मोबाइल फोन मिले हैं, सिम कार्ड भी उनके पास पाया गया है। पाकिस्तान से पहले वो दुबई जाती हैं, दुबई से नेपाल आती हैं और नेपाल के रास्ते से वो भारत में प्रवेश करती हैं, चुपके से गलत तरीके से नेपाल के रास्ते में उनका भारत में दाखिला होता है। आते ही तुरंत वो साड़ी पहनने लगती हैं, नमस्ते, अभिवादन, सादगी व भारतीय परिवेश में ढल जाती हैं। फर्राटेदार हिंदी और अंग्रेजी बोलती हैं, उर्दू का एक लफ्ज भी उनके जुबान पर नहीं आता है। इसके साथ ही वो मुस्लिम तो अपने आप को बताती हैं, लेकिन जो कुछ भी मुस्लिम के रीति रिवाज हैं उससे वो अनजान हैं। कई सारे ऐसे वीडियोज उनके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहाँ पर उन्हें किसी भी मुस्लिम जो धर्म ग्रंथ हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो कुछ भी उनसे पूछा जा रहा है वो बता नहीं पा रही हैं। तो आखिर क्या इनको ट्रेंड किया गया था इनको पहले, इनका क्यों, अगर नाम अगर देखें तो आप सीमा जो बहुत ही कॉमन नाम होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, बहुत कॉमन नेम होता है, तो क्या पहले से इनको ट्रेंड किया गया था, ये सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। अब भले ही ये सारी चीज़ें जो है वो मजाक लग रहा हो, एक हमारा तबका जो है वो इस बात को लेकर खुश है कि वो अब्दुल को छोड़कर सचिन के पास आई हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक बड़ा फेलियर है हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, ये टोटली जो है वो एक फेलियर है देश के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सरकार के लिए, NIA के लिए, सेना के लिए, रॉ के लिए, CBI के लिए, कि आखिर कोई ऐसे भारत में कैसे प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर बहुत ही मजाक बन रहा है, सीमा हैदर को एक तरीके से पेश किया जा रहा है, लोग मजे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर खड़ा हो रहा है, उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, कैसे कोई सीमा हैदर जैसी एक जो लेडी है वो भारत में आ जाती है, किस तरीके से जालसाजिश है। आप सोचिए जो एक साजिश रचते हैं, जो बहुत प्लानिंग करते हैं, उन लोगों के लिए कितना आसान होगा भारत में प्रवेश लेना। रोहिंग्यों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, बार बार इस बात पर हम जो जोर दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सरकार को भी इस पर सख्त होने की जरूरत है। अब सीमा हैदर के बारे में सोशल मीडिया पर जो एक बड़ा खुलासा हो रहा है, सनसनीखेज खुलासा हो रहा है उनके नाम को लेकर, और एक तस्वीर जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी, जिक्र जो हमने शुरुआत में किया था, ये तस्वीर आप देखिए सीमा हैदर का, ये पाक आर्मी के गेटअप में ये तस्वीर, दावा किया जा रहा है कि ये सीमा हैदर हैं, ये जो लेडी नज़र आ रही है आपको, और इसका नाम जो है वो सामिया रहमान है, यानी कि सीमा हैदर का असली नाम सामिया रहमान है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान आर्मी की ISI एजेंट है और इनका जो लक्ष्य था, एम था, जो गोल था, वो भारतीय युवक को अपने प्रेम जाल में फंसा कर भारत में बसने का था, लेकिन भारत में वो क्यों बसना चाहती हैं, और सिर्फ उन्हें सचिन जैसा एक व्यक्ति मिला जिसके पास कुछ भी नहीं है,